तो गाइस मनी इन द बैंक के अंदर हम सब ने अपने आंखों से देखा कि किस तरह जेउसो ने रोमन रेंस को पिन कर दिया था मनी इन द बैंक के अंदर। लेकिन अब जो आज की जो वीडियो होने वाली वो इसके ऊपर नहीं होने वाली कि जो जेउसो ने रोमन रेंस को पिन कर दिया है, वो ये होगी कि रियल रीज़न क्या है कि जेउसो ने यहाँ पर रोमन रेंस को पिन किया है, और रियल रीज़न क्या है कि यहाँ पर उसो जीते हैं। और रोमन रेंस की अफेयर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मसाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रोमन रेंस के अफेयर से। तो रोमन रेंस अफेयर में इस तरह बैठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे, बहुत ज़्यादा वो परेशान लग रहे थे क्योंकि वो हार चुके थे मैच, उनका 3 साल का स्ट्रीक भी टूट चुका था। और द उसोस जो हैं वो भी यहाँ पे जीत गए थे, उनको थोड़ी सी सेट वो जो है यानी फ्रस्ट्रेशन जो होती है उनके अंदर वो तो भरी हुई थी। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पॉल हेमन ने उनको उठाया और पॉल हेमन ने उनको समझाया कि कोई बात नहीं, इस तरह कुछ होता रहता है। लेकिन फिर रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा हमें फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखते थे। अब देखना ये होगा कि स्टोरी लाइन जाती कितनी है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं कि हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल जो स्टोरी है। अपडेट्स की वीडियो तो है नहीं, लेकिन फिर भी रियल रीज़न के बारे में अब तो हम बात करने वाले हैं। रियल रीज़न के बारे में हम बात करेंगे। उसके अंदर रियल रीज़न सबसे बड़ा ये आता है कि जेउसो ने रोमन रेंस को क्यों पिन किया। तो रियल रीज़न मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि रियल रीज़न क्या है कि जिससे जेउसो ने रोमन रेंस को पिन किया था। अगर आपको याद होगा कि ऑब्वियसली आपको याद होगा कि पिछले रोमन रेंस की जो रेंज थी, जो यूनिवर्सल चैम्पियनशिप की रेंज थी, अभी वाली 1000 दिन क्रॉस हो गए हैं। अब आप काउंट करके देख लें, एज, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना और भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को उन्होंने फेस किया हुआ है। ब्रॉक लेसनर, एज, कोडी रोड्स को भी उन्होंने फेस किया था। तो देख लो आप लोग, मतलब बिल्कुल बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स को रोमन रेंस ने फेस किया था, लेकिन किसी एक बंदे ने भी नहीं रोमन रेंस को पिन किया था। और रोमन रेंस की स्ट्रीक किसने तोड़ी है? अपने खुद ब्रदर ने। तो WWE इस तरह के यहाँ पर एंगल दिखाना चाहती है कि देखो उसके भाई ने ही रोमन रेंस को हराया, जिसका क्योंकि सारे लोग रोमन रेंस से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन क्लोज कौन होता है अपने एक आदमी के साथ, वो उसका भाई होता है। तो इसीलिए उसके भाई को सारे उसके वीकनेसेस पता थे, तो इस वीकनेसेस की हेल्प करके यहाँ पे जेउसो ने यहाँ पे रोमन रेंस को पिन किया। वैसे ये तो रियल रीज़न नहीं है, लेकिन रियल रीज़न जो ये है कि अगर रोमन रेंस इस पर ना पिन होते तो फिर रोमन रेंस वैसे जेउसो का क्या सेंस बनना था। ये WWE ने एक तरह से दिखा दिया है कि डर एक फैंस के अंदर या फिर डाल दिया है कि जो भी मैच होगा अब रोमन रेंस पिन हो सकता है। ये नहीं कि रोमन रेंस अनबीटेबल है। WWE पर्सनली ये चाहती थी ये जो रोमन रेंस का जो अनलॉस ये जो अनपिन स्ट्रीक थी वो ख़त्म हो जाए, और WWE इस तरह दिखाना चाहती है कि देखो रोमन रेंस बीट हो सकता है। अब फैन के मन में ये सवाल डालना चाहती है कि हाँ ये रोमन रेंस हार सकता है, अब तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई हैं कि रोमन रेंस हार सकता है। वैसे तो मुझे तो लग रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस जेउसो का मैच सेट होना चाहिए यहाँ पे समर स्लैम के लिए, और इसीलिए यहाँ पे अब फैंस के मन में डर रहेगा कि जेउसो जीत सकते हैं, क्योंकि जेउसो इज़ द मैन हु पिन रोमन रेंस एंड यस रोमन रेंस को पिन कर दिया था। और ये है रियल रीज़न कि WWE नहीं चाहती थी कि इस रेंज को ज़्यादा लंबा करें। वो चाहते थे कि कोई इस तरह मतलब वो चाहते थे कि रोमन रेंस पिन हो ताकि फैंस के मन में एक सवाल आए कि अब रोमन रेंस को हम फाइनली बीट करवा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कुछ जेउसो जीत भी जाते हैं तो फिर भी उतने ज़्यादा वो नहीं होगा, ओ माई गॉड, मतलब ज़्यादा वो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वो इतना शॉकिंग नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि जेउसो ने ऑलरेडी रोमन रेंस को पिन किया। वैसे तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा, लेकिन फिर भी फैंस के मन में ये तो सवाल है कि हाँ यार ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि जेउसो ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये WWE लाना चाह रही है। अब देखना होगा कि ब्लड लाइन की स्टोरी आगे कैसे जाती है। जिस तरह यहाँ पे स्टोरी जा रही है ब्लड लाइन की, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे स्टोरी में। ट्रिपल एस ने खुद इस ब्लड लाइन की जो स्टोरी है उसको सिनेमा का है, विच इज़ रियली ट्रू। और रोमन रेंस सोलो सिकोवा हार चुके हैं, इसे देखना होगा कि सोलो सिकोवा कब टर्न करते हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या सोलो सिकोवा समर स्लैम के अंदर टर्न करेंगे जेउसो को अपने हेल्प से। बस उसके लिए तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो शायद से बनाऊँगा रोमन रेंस और जेउसो की। अगर कोई अपडेट आती है तो फिर मैं आज बताऊँगा। बाकी मनी इन द बैंक और वुमेंस मनी इन द बैंक बाकी सारे पेपर के बारे में एक अलग वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ। अगर नई पूरी वीडियो बना पाऊँगा तो फिर जो मेन मैचेस होते हैं ना, जिस तरह मैच मनी इन द बैंक लेटर मैच वुमेंस वाला, उस तरह के मैचेस मैं आपको बता दूंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कि मनी इन द बैंक विनर कौन है। वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा विनर कौन है, लेकिन मैं सोच रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी इस वक्त ये है। तो द उसोस ने हरा दिया है रोमन एंड सोलो सिकोवा को, विच इज़ टू शॉकिंग, एंड रोमन रेंस का 3 साल का रेंज ख़त्म।